नाउ वी आर लाइव। नमस्ते सभी को। जैसा कि हम आज सभी जानते हैं कि हम सातवां इंटरनेशनल योगा दिवस आज हम पूरे देश में मना रहे हैं। योगा की इम्पोर्टेंस हम सभी जानते ही हैं। हमारे देश का बहुत ही प्राचीन सभ्यता से ये रहा है, बीच में थोड़ा सा लुप्त हो गया था, लुप्त नहीं कहना चाहिए हमें, मतलब थोड़ा सा योगा की इम्पोर्टेंस में कम जानने लगे थे अभी। लेकिन योगा आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस पे बहुत ही ज्यादा अपना हमें योगदान दिया है। स्ट्रेंथ को, हमारी इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। योगा करने से बहुत सारी बीमारियों से ठीक भी हो रहे हैं, बहुत ऐसी शारीरिक जो उनको कष्ट थे उससे उन्हें फायदा भी मिला है। खुशबू एक मिनट, किसी का माइक ऑन है तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, प्लीज मैं आप सब जो भी पार्टिसिपेंट्स और हैं इसमें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अपना माइक ऑफ कर दें। ओके, तो अगर आप लोग नहीं सुन पाए तो मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। आज सातवां जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ISLRTC के इस मंच पर। तो योगा के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता रही थी कि योगा आजकल जो स्लोगन चल रहा है, हम सभी जानते हैं उस स्लोगन को, योगा से ही होगा। सो इट मींस जितनी भी हमारी पुरानी से पुरानी कोई बीमारी है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो अगर हम रेगुलर और कंटिन्यू योगा करते हैं, सही तरीके से योगा करते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से, हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारी पुरानी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं। तो योगा पहले मैं भी नहीं करती थी, मैंने भी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया है। तो अभी हमारे आज के जो जो योगा सेशन पे हम बात करने वाले हैं, तो हमारे बीच में उपस्थित है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हरीश सोनी जी। वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चों को संबोधित करें और अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबका, सबसे पहले सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसा कि हम सब जानते हैं आज हम क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं और किस बात की चर्चा के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहले मैं हमारे निदेशक महोदय डायरेक्टर प्रबोध सेठ सर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ एकत्रित होने और इस कार्यक्रम करने के लिए मार्गदर्शित किया, हमें अनुमति दी इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। उसके बाद हमारे उपनिदेशक महोदय श्री संजय सर का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने यह हमको अवसर दिया, मार्गदर्शित किया कि हम सब लोग इस योग दिवस पर एकत्रित हों। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सारे छात्र छात्राएं और हमारा स्टाफ मेंबर्स जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए और सहभागी बने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि योगा जो है एक व्यायाम नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आप सब जानते हैं कि योगा कोई व्यायाम नहीं है, सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि एक जीने की हमारी एक कला है, हम इससे, हमारा जीवन का तरीका हो गया है अभी। और योगा जो है एक फिजिकल, मेंटल और एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिस है जो हमको बेहतर जीवन जीने के लिए मदद करती है। अब यदि योगा के उद्गम के बारे में बात करें कि योगा कब से शुरुआत, ये बहुत प्राचीन हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो योगा को हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये अभी शुरू हुआ है तब, ये बहुत हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है और हमारे जीवन शैली का हिस्सा है ये। जहां तक बात इसके उद्देश्य की करें कि हम योगा क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो योगा तो हमारे लिए न सिर्फ हमारे अच्छे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी अच्छी विचारधारा, हमारे आध्यात्मिकता, सबके लिए योगा जरूरी है। और संस्कृत में योगा शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो संस्कृत में इसको योगा को, मतलब योगा वैदिक संस्कृति में हम यदि इसको देखें कि योगा मतलब क्या, तो उसमें ये कहा जाता है कि टू एड, टू ज्वाइन और टू यूनाइट, सबको जोड़ना, जोड़ना या यूनाइट होना, ये सब योगा का अर्थ बताया गया है, यूनाइट होना।
हमारी सारी एक्टिविटी को यूनाइट करना, हमारे मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक गतिविधियों को यूनाइट करना, ये सब योगा के अंतर्गत आता है। ब्रॉड रूप में मैं इसको ऐसा बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि हम देखें कि योगा क्या है और इसकी विशेष टेक्निक्स क्या है, जो जनरल चलन में या कॉमन रूप से जो बहुत ज्यादा योगा के लिए उपयोग की जाने वाली एक्टिविटीज या टेक्निक्स क्या है, तो एक सूर्य नमस्कार है जो हम करते हैं, फिर मेडिटेशन है, फिर प्राणायाम है। तो ये तीन ऐसी मुख्य तकनीक है जो बहुत ज्यादा कॉमन रूप से हम यूज कर रहे हैं योगा में, जो बहुत चलन में है, सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन और प्राणायाम। और ये सभी हमको करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, हमारा जीवन शैली बहुत अच्छा हो सके। तो ये हमें एक कॉमन टेक्निक जो मैंने आपको बताई। और योगा के बारे में जैसा हम सब अभी देख भी रहे हैं कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो है योगा बहुत बेहतर तरीके से मनाया जा रहा है, योगा दिवस भी, और सब लोग योगा कर रहे हैं। आज सुबह ही मैंने न्यूज देखी और मैंने सुना कि अमेरिका में करीब 3 करोड़ लोग जो है योगा से जो है जुड़े हैं, या योगा करते हैं, या योगा की लिटरेचर पढ़ते हैं। मतलब अमेरिका में 3 करोड़ लोग योगा से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए, अमेरिका जैसे कंट्री में जो कि इतना फास्ट और इतना मॉडर्न है, वो भी आज योगा को इतना मान रहा है। तो हम तो योगा बनाने वाले हैं, हमारी तो संस्कृति से ही योगा जुड़ा हुआ है। तो हम तो प्रत्येक 150 करोड़ जनता है इस देश की, सबको योगा करना चाहिए। जब अमेरिका जैसा देश जो इतना मॉडर्न, जिसको हम बहुत आधुनिक और बहुत डेवलप्ड कहते हैं, जब वो योगा इतना अपना रहा है और इतना कर रहा है, तो हम तो बनाने वाले हैं। तो हमारे तो जन जन तक योगा फैलना चाहिए, सबको योगा करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात मैंने आज टीवी पे सुनी थी। सुबह सुबह ही मैंने न्यूज खोली और मेरे को पहली चीज यही दिखाई दी कि अमेरिका में 3 करोड़ लोग जो है योगा से जुड़े हुए हैं। तो मेरे को सुन के बड़ा प्राउड और बड़ा अच्छा लगा कि ये तो मेरे देश के लिए और मेरे देश की संस्कृति के लिए गर्व की बात है कि जो चीज हमने बनाई है वो उसको अमेरिका फॉलो कर रहा है और इतने बड़े स्तर पर फॉलो कर रहा है। तो ये तो हम सबके लिए एक प्राउड की बात है, गर्व की बात है। और हम सबको अब योगा को न सिर्फ करना है बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी करना है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का भी एक प्रकार से हिस्सा है। यदि हम संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते हैं तब भी हमको योगा करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो योगा से संबंधित थी और मैंने आपके साथ चर्चा की। और भी बहुत सारी बात है जो मैं आपसे कर सकता हूँ योगा के बारे में। सबसे पहले मेरा तो यही निवेदन है कि आज योगा दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सुबह से सबसे पहले हम जो है प्रतिदिन, मतलब सुबह हम योगा करें। कुछ जो भी हमको व्यायाम, जो भी हमको योगा से संबंधित टेक्निक्स पता हो, चाहे वो प्राणायाम हो, सूर्य नमस्कार हो, या मेडिटेशन हो, वो सब हम करें। यदि ये प्रण हम आज लेते हैं तो हम बेहतर योगा को, आज का जो हमारा मनाना है वो सार्थक सिद्ध हो जाएगा। आज का ये योगा दिवस मनाना तभी सार्थक सिद्ध होगा जब हम रोज सुबह योगा करें, तभी हम सार्थक कह सकते हैं कि हाँ योगा दिवस हमने मनाया। अदरवाइज एक दिन योगा दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये, योगा हमारे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमको करना चाहिए। दूसरा, ये हमारी संस्कृति का संरक्षण करता है, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है योगा, इसलिए भी ये जरूरी है। तीसरा, ये बात कि यदि दूसरे मॉडर्न कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज हमारी संस्कृति को अपना रहे और हम में से कुछ लोग वो नहीं कर पा रहे, तो ये फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हम नहीं कर पा रहे, दूसरे हमको फॉलो कर रहे और हमारी संस्कृति को अपना रहे, तो वो हमें भी करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो बस ये 2-4 बातें थी जो मैंने आपको बताई। थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा कि क्या मैं अभी चर्चा किया पिछले 5-7 मिनट में। एक तो ये कि योगा एक वे ऑफ लाइफ है, हमारी जीवन शैली है। नंबर 2, योगा जो है बहुत प्राचीन है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तीसरा ये कि ये हमारी संस्कृति को संरक्षण कर रहा है। और योगा की कई टेक्निक्स हैं, आप जो भी टेक्निक कॉमन रूप से जो मैंने आपको बताई, सूर्य नमस्कार प्राणायाम और मेडिटेशन, ये 3-4 टेक्निक्स बहुत कॉमन है जो जनरल चलन में है, और भी जो आपको पता हो आप कर सकते हैं। तो बस यही, और एक
चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन सब बातों का सार है कि हमको एक आज संकल्प लेना है कि हम रोज योगा करेंगे और ये योगा को फैलाएंगे, तभी आज का दिवस मनाना सार्थक होगा। अदरवाइज ये बहुत हमारे लिए फिर अच्छी बात नहीं है कि यदि हम इसको एक दिन मना के भूल जाते हैं, नहीं, हमको उसको पूरे साल मनाना है और सबको मनाना है, पूरे साल हमको इसको योगा करना है और सबको प्रचार प्रसार करना है इस पे, ठीक है। तो यही सब मेरी बातें थी, बस मैं यही इतना ही कह के मैं आपसे अपनी वाणी को विराम दूंगा और सबसे ये निवेदन करूंगा कि सब लोग इसको सिर्फ एक दिवस के रूप में नहीं रखें, बल्कि इसको पूरे साल साल जो है योगा करें और अच्छे से करें और सब में प्रचार प्रसार करें, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में सर ने हमको योगा के बारे में बहुत ही सिंपल एक हमें इंट्रोडक्शन दिया, और ये बातें हम कहीं ना कहीं सुनते भी रहते हैं योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में। सर ने जैसे बताया कि योगा मतलब ये एक सिर्फ योगासन ही नहीं, ये एक हमारी एक जीवन शैली होना चाहिए, मतलब लाइफ स्टाइल में हमको लाना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। अगर हम उसे अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लेंगे तो हम बहुत सारे रोगों को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो योगा वर्ड का जैसे सर ने हमें बताया, योगा शब्द का मतलब क्या है, यूनाइटेड होना, यूनिट होना। तो योग जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं ना किसी चीज का योग करना, तो उसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है योगा की। और बहुत ही बेसिक जो योगासन है, सूर्य नमस्कार के बारे में सर ने हमें बताया, बहुत से लोग आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट करते भी होंगे। सूर्य नमस्कार में 8 स्टेप्स होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप्स हैं ये। मैंने भी थोड़ा टाइम किया था, फिर बीच में ड्रॉप कर दिया था, फिर दोबारा शुरू किया। तो ऐसे अक्सर होता है, मतलब नॉट मी ओनली, आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर एक क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम उनसे भी अभी चर्चा करेंगे कि कई बार ऐसे हमारे मन में आता है कि हम योगा के लिए बड़े एक्साइटेड तो होते हैं कि हाँ हमें योगा करना है, हमें ये एक्सरसाइज करना है, बट थोड़ा टाइम हम ज्वाइन करते हैं या एक्साइटमेंट में करते हैं, फिर थोड़ा फिर हमें लगता है कि अरे इतना थोड़ा सा हार्ड वर्क है, थोड़ा ज्यादा मेहनत है, हम नहीं कर पाएंगे। तो आई एम श्योर आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, तो उसके लिए आपके क्या विचार है, मतलब वो योगासन की कंटिन्यूटी कैसी बनी रहे। जैसे कि सर ने हमें बताया कि वो हमारे जीवन शैली को हम उसको जीवन शैली बना के उसे बनाए रखें। जो योगासन है, जो योगा है, हमारे देश की धरोहर है, उसको हम कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, सर ने भी बोला और हम सब भी जानते हैं, आज बहुत सारी कंट्री में योग की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे फॉरनर्स हैं, बहुत सारी कंट्री में इसके लिए कोर्स होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होते हैं। तो ये हमारे लिए इतनी प्राउड की बात है कि ये हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश में योगासन शुरू हुआ था और इसे आज ना केवल हमारी कंट्री बाकी बाहर की कंट्री भी अपना रही है। सर ने जैसे अभी बताया कि अमेरिका के 3 करोड़ लोग, तो 3 करोड़ मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ी तादाद है 3 करोड़ भी। तो ये क्यों है, मतलब वाकई में इससे लोगों को फायदा हो रहा है, लोग जो इसकी इतनी प्राचीन जो वैल्यू है योगासन से लोगों के जीवन शैली में, जीवन में, उनके शरीर में कितने बदलाव आते हैं, नॉट फिजिकली ओनली, मेंटली भी। और आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, सबको पता है, सबको एक मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल पीस सबको चाहिए। मतलब अगर आपको फिट रहना है, अच्छा रहना है, खुश रहना है, तो सबसे पहले आपको मेंटल पीस से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मेंटली हैप्पी रहने के लिए हमें थोड़ा कुछ योग हम कर सकते हैं, जिससे हम मेंटली प्लस फिजिकली भी फिट रह सकते हैं। सो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आज, हमारे SLRTC के, DTISL और डिस्ली बैच के। और जैसे कि अभी हम अभी मैं बुलाना चाहूंगी ब्रिजेश को, ब्रिजेश हमारे DTISL बैच 1921 के स्टूडेंट हैं, और उसके साथ ही शिवम गोयल हैं, शिवम गोयल DTISL बैच 2020-22 बैच के स्टूडेंट हैं, और इसके साथ ही अंजलि
हिमानी और हर्षिता, ये डिस्ली के स्टूडेंट्स हैं जो अभी करंट बैच हमारा जो चल रहा है, और प्लस 1921 डिस्ली बैच से अरुण हमारे बीच में है। तो सबसे पहले मैं ब्रजेश को बुलाना चाहूंगी कि ब्रजेश अपने जो भी एक्सप्रेशन है योग दिवस को लेके और योगा के बारे में, आप एज अ स्टूडेंट और एज अ डेफ कम्युनिटी योगा की क्या इम्पोर्टेंस है और योगा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो ब्रजेश मुझे को हम सभी सुनना चाहेंगे। अरुण जी ब्रजेश को पिन कीजिएगा। Visual happy yoga day and thank you for all and ISLRTC and all the teachers and and I'm wishing for the international yoga day. The important sorry I'm not getting इंटरनेशनल डे योगा डे जब से कम मना गया उसके लिए कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, किसी भी सोसाइटी में नहीं था। अभी जब धीरे 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 एक एक करके ऐसे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, एक्सेसिबिलिटी हो रही है थोड़ी बहुत, सोसाइटी में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब हम स्कूल टाइम पे थे तब भी हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, योगा क्या होता है योगा का मतलब भी नहीं पता था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, कहीं से कुछ भी अवेयरनेस नहीं मिली थी क्योंकि फुली एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। अभी जैसे थोड़ा बहुत देखा देखा जगह पे होने लगा कि जैसे हम विजुअली हम चीजों को देख पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो उस चीज को हम देख के हमारे लिए वो बेनिफिट है। पहले का टाइम थोड़ा अलग था, अभी का टाइम थोड़ा ठीक है हमारे लिए क्योंकि डेफ लोग इतने भी है, जैसे कई सारी उनको प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटीज है, किसी को मेंटली स्ट्रेस है, तो हेल्थ के हमारी क्या वैल्यू, हमारे हेल्थ के लिए किस चीज मतलब किस तरह से हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो इस चीजों से जैसे हम बना रहे तो वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। थैंक यू ब्रजेश, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सप्रेशन सुन के। ब्रजेश के निधि को प्लीज स्पॉटलाइट कीजिएगा। थैंक यू ब्रजेश, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके विचार सुन के। ब्रजेश के बारे में मैं तो सबसे पहले ब्रजेश को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कह नहीं पाई, सॉरी आपको तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी क्योंकि हाल ही में मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा फेसबुक पे और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। आप सभी स्टूडेंट्स भी जरूर पढ़िएगा इनके बारे में, बहुत ही एनर्जी आई मुझे उनके बारे में पढ़ के। तो ब्रजेश डायबिटिक है और काफी समय से डायबिटीज से जूझ रहे हैं, तो कैसे उन्होंने अपने लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया है और कैसे वो अपने काम को अपने गोल को आगे रखते हैं और इतनी पॉजिटिविटी के साथ में, मतलब हम सबको इनसे जरूर सीखना चाहिए। और आपने योगा के बारे में जैसे बताया कि सच बात है, मतलब डेफ कम्युनिटी को वैसे ही लोग अवेयरनेस बहुत बहुत देर से और बहुत कम मिलती है। मतलब ब्रजेश जैसे बता रहे थे कि जब वो स्कूल में थे तो इतना योगा के बारे में उनको नहीं पता होता था या उतना न्यूज़ सुनने नहीं मिलता था। अब जैसे कि ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे ज़्यादातर हम लोग एक्टिव रहते हैं तो हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे या बाकी जगह पे टीवी पे भी हम देख पा रहे हैं। और सीरियसली हमें वी शुड थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इसको मतलब योगा दिवस को इतना इम्पोर्टेंट करके पूरे देश में इसको लागू किया कि हम देश भर में हर एक संकाय में, हर एक इंस्टीट्यूट में, घर पे, हर कम्युनिटी में योगा दिवस को मनाएं। क्योंकि देखिए जो लोग योगा करते आ रहे थे वो तो उसका इम्पोर्टेंस जानते ही थे, लेकिन देश के हर एक बच्चे बच्चे को भी इसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। तो थैंक यू ब्रजेश। अब मैं बुलाना चाहूंगी हिमानी को। हिमानी हमारी डिस्ली स्टूडेंट है। हिमानी आपके क्या विचार हैं योगा को लेके, इंटरनेशनल योगा डे पे हम
एज अ स्टूडेंट आप और यूथ लोगों पे कैसे इसको जोड़ सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप प्लीज अपने विचार हमारे पास रखिए। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी को पता है कि हर साल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल के जैसे इस बार भी योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले साल जैसे इस बार भी कोविड टाइम में डिजिटल माध्यम से ही ये दिन मनाया जा रहा है। हर बार योग दिवस पर अलग अलग थीम रखी जाती है, इस बार भी अलग थीम रखी गई है जो कि योग के साथ रहे घर पर रहे। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय योग पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 27 सितंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की, जिसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार 170 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसे में इस साल 7वां योग दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान समय में योग की भूमिका और भी अधिक हो गई है। स्वस्थ रहने के साथ साथ योग तनाव मुक्त रहने में भी मदद करता है। योग शरीर को ही रोग मुक्त नहीं करता, बल्कि मानसिक और बौद्धिक स्तर पर मानव को सशक्त, शांत और ओजस्वी बनाता है। अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू हिमानी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि योगा दिवस की शुरुआत कैसे हुई और हर दिन के पीछे एक ना एक हिस्ट्री होती है कि क्यों वो डे हम सेलिब्रेट करेंगे, क्यों इसका महत्व है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट शिवम गोयल, ही इज अवर स्टूडेंट फ्रॉम DTISL 2020-22 बैच। शिवम गोयल अरुण जी, प्लीज शिवम को स्पॉटलाइट कीजिएगा। नमस्ते टू एवरीवन। दे वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड योगा डे एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। आर मोदी जी हैज गिवन अ वेरी बिग अवेयरनेस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा डे एंड हाउ इट इज हेल्पिंग अस फॉर आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। It's not only in India, and the yoga is nowadays getting the importance of yoga is getting spread everywhere, and it has to be the yoga and its importance has to be spread through different medias, and we have to learn and develop the practicing yoga within us. And all our elder people and others, when they will entertain themselves with yoga, that will be very good for their health. Thank you, Shivam. Thank you, Shivam, for your thoughts and your expression. शिवम ने जैसे बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि योगा ना केवल जितना हमारे इंडिया में इम्पोर्टेंस रखता है उतना ही इम्पोर्टेंस सारे वर्ल्ड में भी रखे, सारे और भी जो देश विदेश के लोग हैं योगा को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो योगा के बारे में। तो उसमें जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है हमारा, यूट्यूब है, ट्विटर है और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जितना ज्यादा हम योगा के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे उतना ज्यादा लोग दुनिया भर में इसको पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। मेरा एक सवाल है, मतलब और स्टूडेंट्स को भी आगे सुनेंगे, मतलब स्पेशली जो हमारे डेल स्टूडेंट्स हैं, आप डिसलीग स्टूडेंट्स भी हमें इस पे अपने जवाब या अपने विचार दे सकते हैं कि जैसे अभी ब्रजेश जो थे वो बोल रहे थे, शिवम ने जैसे अभी बताया
तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि डेफ कम्युनिटी में मतलब वैसे भी जो भी कुछ नया अपडेट चलता है तो हम हियरिंग लोग बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, पर डेफ लोगों तक वो न्यूज़ जाने में, वो सूचना जाने में थोड़ा देर हो जाता है, या जब तक वो खुद से ना देखें या जब तक वो किसी सोशल मीडिया पे ना देखें तब तक पता नहीं चलता है। तो ऐसे में योगा की इम्पोर्टेंस डेफ कम्युनिटी में हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये मेरा सवाल है आप लोग से। आप लोग में से कोई मुझे इस पे जवाब देना चाहेगा कि मतलब आप हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि डेफ कमिटी में भी हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जान पाए, पहचान पाए, अपना पाए योगा को, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? वन पॉइंट मैम आई लाइक टू ऐड, एक पॉइंट है मेरा जी मेरा ये पॉइंट है कि जैसे मतलब डेफ कम्युनिटी के स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स हैं, हम कई सोशल मीडिया यूज करते हैं जिसके माध्यम से हम उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम जो यूट्यूब चैनल हियरिंग पीपल के हैं, हियरिंग से रिलेटेड हैं, अगर वहां पे भी लाइक इंटरप्रेटर की अपॉइंटमेंट हो, वहां पे भी अगर ये अवेयरनेस क्रिएट हो, तो ये काफी ज्यादा काफी स्पीड में स्प्रेड होगा। थैंक यू। थैंक यू अरुण। और कोई आप लोग में से और कोई कोई आइडिया देना चाहेगा, और किसी का कोई सजेशन हो इस पे? हाँ चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ये सवाल, लेकिन जरूर सोचेगा आप लोग आगे। मैं अब हर्षिता को बुलाना चाहूंगी। हर्षिता, आप अपने विचार इस योगा दिवस के बारे में, योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में हमारे साथ में शेयर करेंगी। गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले सभी को मैं हैप्पी योगा डे बोलना चाहूंगी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा शिवर कर रही हूँ। मैम, जैसे कि हम सभी को पता है कि योगा हमारे देश की पहचान है, और आने वाले सालों में ये इसका बहुत ज्यादा सम्मान इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है। लोगों ने इसे पहचाना है, इसे एक अलग पहचान दी है, और इतना इसकी वैल्यू इंडिया में भी नहीं थी पहले, बट अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, इंडिया को भी अपनी जो धरोहर है उसका एहसास हो रहा है, उसे उसकी वैल्यू पता चल रही है। मैं कुछ साल पहले कोर्स में थी, और उसमें मेरी टीचर्स जो थी वो हमें क्लास में बच्चों को, स्टूडेंट्स को एंटर होते ही कहते थे कि आप सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करें, और वो एक सॉफ्ट म्यूजिक बजाती थी योगा से रिलेटेड। तो वो हम लोग मेडिटेशन करते थे उस टाइम पे, वो कहते थे कि यूनिवर्स को बोलो कि वो तुम्हें गाइड कर, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं तुम्हारे सब निकाल दो अपने माइंड से। कई बार हमारे साथ होता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है और हमें कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें। योगा एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम उस चीज को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। योगा के थ्रू हम अपना स्ट्रेस रिलीव भी कर सकते हैं, और क्वारंटाइन जैसे कि लॉकडाउन लग चुका है और पीछे भी लगा था और अब थोड़ा खुल भी रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की जॉब गई है और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी आए हैं, तो योगा के थ्रू हम उस चीज को कम कर सकते हैं। हाँ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पे रहकर ही सेल्फ मेडिटेशन करके कुछ इजी पोस्चर्स होते हैं उनका यूज करके हम योगा कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू हर्षिता। हर्षिता ने एक बहुत ही प्यारा अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ में शेयर किया है। बहुत सही बात है, मतलब इसमें से जितनी भी बात हम यहाँ पे इस मंच में आज कर रहे हैं बहुत वैल्यूएबल है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, और उसकी हर छोटी बात का एक वैल्यू है। हाल ही में मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था, जब ये बहुत कोरोना की न्यूज आ रही थी और बहुत सब जगह बहुत नेगेटिव न्यूज ही आ रही थी कि इतना कितने लोग इससे ग्रसित हो गए हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कितने लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो हर जगह देखिए ऐसे नेगेटिव न्यूज थी। वहां कहीं मैंने छोटा सा एक कॉलम पढ़ा कि
कि जितने लोग पहले जो योगा करते थे उससे 3 गुना ज्यादा लोगों ने अपने जीवन शैली में योगा को अपनाया है। आजकल लोग इतने ज्यादा लोग योगा से जुड़ गए हैं और योगा कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एक फेयर है सबके मन में कि अरे मतलब कोरोना से सबको डर लग रहा है कि अरे कोरोना है तो हमें डेली कुछ ना कुछ व्यायाम करना है, कुछ शारीरिक एक्टिविटी करनी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, हम इंटरनली फिट रहें, मेंटली फिट रहें। और तो उसके लिए योग सच में बहुत बेनिफिशियल है। और सोचिए जब जो पहले जो उसके जो योग करने वाले लोग थे उससे 3 गुना ज्यादा उसके लोग बढ़ गए। मतलब रीजन कोरोना रहा या कुछ भी रहा हो तो कहीं ना कहीं एक मन में फेयर था, लोगों को डर था कि हम योगा करेंगे तो शायद ठीक रहेंगे, है ना। जैसे अभी भी लोग अभी हमारे मन में डर है कि हम मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना हमें इफेक्ट कर देगा, कोरोना से हम ग्रसित हो जाएंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं डर के रूप में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं इस डर से भी लोगों ने योगा करना शुरू किया था। सो ओके, अभी हमारे जो लास्ट स्टूडेंट है अंजलि, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट नाउ अंजलि। अंजलि प्लीज शेयर योर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन अबाउट योगा डे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन योगा हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी हेल्थ के लिए योगा जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉट इवन फिजिकल हेल्थ, साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। काफी लोगों को इस कोविड में जॉब चली गई, जैसे रशिता ने अभी बताया, काफी स्ट्रेस फील हो रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो फ्रॉम दिस योगा हम लोग अगर करें थोड़ी ही फ्रॉम अराउंड 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स तो हम लोगों को काफी रिलैक्स मिलेगा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, इवन हमारा वेट रिड्यूस होता है, हमारी जो हमारा मेंटल प्रॉब्लम है जो कि मेंटली हम लोग डिप्रेस रहते हैं और जो एंग्जाइटी है वो चीज कम होगी और हमें काफी हेल्थी बेनिफिट्स होंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में COVID-19 के लिए हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फ्रॉम योगा हम लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू अंजलि एंड थैंक यू। मतलब बहुत ही मतलब एक ये हमारा छोटा सा हमने एक प्लेटफॉर्म सभी स्टूडेंट के पीछे मतलब बहुत हमने एक दूसरे को खुले रूप से सुना। नहीं तो जनरली हर प्रोग्राम में ऐसे होता है, गेस्ट आते हैं अपनी अपनी बात बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं। तो एक प्रकार से खुला मंच था जहाँ आप सभी स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने एक्सप्रेशन अपने अपने थॉट्स हम सबके साथ में शेयर किए। और मुझे अच्छा लगा जान के कि आप सभी स्टूडेंट्स भी योगा के प्रति योगासन के प्रति कितना पॉजिटिव सोचते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझते हैं। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं डीसी और डीटीएच, आप लोग जी एक सजेशन आया जैसे आपने पीछे क्वेश्चन पूछा था तो पार्टिसिपेंट ने एक सजेशन दिया है, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। जी जी, योगा हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, वैसे ही अगर डेफ के सिलेबस में भी शामिल कर दिया जाए तो मे बी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा सजेशन है, प्रताप निर्भय जी ने यह भेजा है, थैंक यू निर्भय। तो ऐसे ही आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव अप्रोच आप लोग की चाहिए, क्योंकि देखिए हम सब यहाँ डेफ कमेटी के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो हम हमेशा सोचते रहते हैं, मतलब मेरे मन में तो हमेशा चलता ही रहता है कि कोई भी चीज है तो हम डेफ कमेटी को कैसे उसको देंगे, डेफ कमेटी को इससे कैसे इम्पोर्टेंस मिलेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डेफ कमेटी के पार्ट हैं। आप लोग भी जो कोर्स कर रहे हैं DTISL कोर्स कर रहे हैं डिस्ली कोर्स कर रहे हैं, तो आप भी ये कोर्स करने के बाद में डेफ कमेटी के लिए ही काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए इंटरप्रेटर बनेंगे, उनके लिए टीचर बनेंगे। तो जिस उद्देश्य से हम इस कम्युनिटी में आ रहे हैं, इस कम्युनिटी के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो कोर्स कर रहे हो, तो आपको हमेशा अपना जो गोल है ना सामने रखना है ना। गोल मतलब कि आप जिसके लिए काम करने वाले हो तो उसके लिए आप कैसे काम करोगे और बेहतर कैसे कर सकते हो। तो ना सिर्फ योगा डे, आज हम योगा डे मना रहे हैं तो आज हम योगा के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब और भी बाकी जो चीजें भी हैं और भी जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके लिए भी हम कैसे काम करेंगे, हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखना है। और
जैसे कि इस बार का हमारा योगा का थीम हमारे अभी एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि जो हमारा इस वर्तमान इस साल का जो थीम है कि योगा के साथ रहें घर पे रहें, तो आप लोग भी आप लोग भी तो क्लासेस अभी चल नहीं रही हैं, आप लोग भी घर से ही ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग भी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, यही मैं सबके लिए कामना करूंगी। और मैं आज के लिए बहुत बहुत इस पूरा जो आज का हमारा जो सेशन हुआ उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हरी सर को, हरी सर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर ISLRTC को, जिन्होंने हमें बहुत ही सिंपली बहुत प्यार से हमें बहुत ही इजीली सिंपल भाषा में हमें योगा के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस कराया, उसके महत्व को बताया, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू हरी सर आपका। आज सर का बहुत बिजी शेड्यूल था, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर भी आज जुड़ने वाले थे पर उनका भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है इस वजह से वो जुड़ नहीं पाए, और पवन सर का जैसे आपको पता चला कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पाए। तो मैं डीडी सर के लिए भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इस ये आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला और इसके बारे में हमने यहाँ पे खुलकर चर्चा की, और साथ में हमारी जो टेक्निकल टीम मतलब टेक्निकल में जो अरुण जी ने हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे इंटरप्रेटर्स निधि मैडम और पुंगुतई मैडम, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने अपनी इंटरप्रेटिंग फैसिलिटीज हमें यहाँ पे दी। मैं एक फोटो सबका लेना चाहूंगी यहाँ पे, आप लोग का फोटो सोशल मीडिया पे भी जाएगा। शिवम गोयल स्क्रीन पे नहीं है, कैमरा ऑफ है शिवम का। हाँ तो थैंक यू एवरीवन, हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट अंजलि, हिमानी, हर्षिता और ब्रजेश, शिवम। अच्छा शिवम आगे मैं एक बार फिर से पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। सब लोग योगा के एक बार साइन करेंगे प्लीज, योगा का साइन करेंगे तो मैं सबका एक फोटो ले लेती हूँ। थैंक यू हिमानी, हर्षिता, अरुण, ब्रजेश, शिवम, अंजलि, बहुत अच्छा लगा आप सबके विचार को सुनकर। थैंक यू हरीश सर, आप मैं जानती हूँ आज सर का बहुत ही बिजी शेड्यूल था, मैंने सर को रिक्वेस्ट की, सर ने इतना टाइम हमें दिया, स्पेशली थैंक यू हरीश सर, थैंक यू सो मच सर। खुशबू आपको भी बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा संचालन किया और बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। खुशबू को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ब्रजेश की स्पीच बहुत अच्छी लगी, सारे बच्चों की स्पीच अच्छी लगी, अरुण का अभी सहयोग और आगे भी चाहिए तो अरुण को इतनी सारी बधाइयां क्योंकि अरुण का सहयोग अभी हमको आगे भी चाहिए। ठीक है, हर्षिता, अंजलि, शिवम, निधि, जो भी हमारे इंटरप्रेटर है निधि, पुंगताई मैडम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण को बहुत बहुत धन्यवाद, हिमानी, ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये हमने स्ट्रीम यार्ड पे पहली बार ये मतलब ये ऑर्गेनाइज करके देखा है, क्योंकि वेबएक्स में मोस्टली हम ISLRTC के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वेबिनार करते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब डेस्क लोगों को ड्रेस फ्रेंडली नहीं है, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए हमने पहली बार स्ट्रीम यार्ड पे ट्राई करके देखा है, अगर अच्छा होगा तो हम फ्यूचर में भी आगे इसको यूज करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप सभी योगा करते रहें, योगा से जुड़े रहें।